हमारा अमेरिका चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुभाष। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीफाई अमेरिका का चार्जिंग स्टेशन। वहां पे गाड़ियां जो हैं वो चार्ज हो रही हैं। वहां पे जितनी भी 8-10 गाड़ियां जो खड़ी हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर उनको चार्ज किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कैसे किया जाता है। दोस्तों हमारे पिछले कुछ एक वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क गए थे कोलंबस डे परेड देखने के लिए, और वहाँ पर हमने कुछ एक और भी साइट सीइंग की। और वहाँ पर हम लोग गए थे हमारे दोस्त की गाड़ी में जो कि एक इलेक्ट्रिकल कार है। और दोस्तों न्यूयॉर्क में घूमते घूमते हमारे दोस्त की गाड़ी जो उसकी बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई, तो उसको चार्ज करने के लिए हम लोग JFK एयरपोर्ट के पास बने हुए एक सेलफोन लॉज में गए। और वहाँ पर जाके इलेक्ट्रीफाई अमेरिका का जो चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर हमने गाड़ी अपनी चार्ज की। और वो कैसे की चार्ज वहाँ पर, वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों JFK एयरपोर्ट के सेलफोन लॉज में जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको वहाँ पर सामने चार्जिंग स्टेशन दिखता है। वहाँ पर आपको गाड़ी बैक करके इस तरह से लगानी पड़ती है चार्जिंग स्टेशन के एक यूनिट के पास। और डिपेंडिंग अपॉन के आपके चार्जिंग वाला जो पॉइंट है गाड़ी में वो आगे है या पीछे है, तो गाड़ी आप उल्टी या सीधी वहाँ पर लगा सकते हैं। इस वाली गाड़ी को यहाँ से ओपन करते हैं। चार्जर इसमें यहाँ पर लगता है। इसमें अलग अलग पावर वाले चार्जिंग वो रहते हैं पॉइंट्स। जैसे ये 150 किलोवाट वाला है वाइड वाला, तो इस गाड़ी के लिए जो है 150 किलोवाट वाला ही बना हुआ है, तो वो हम अभी लगाएंगे। इसमें ये काले रंग का बटन दबा के इसको निकालना पड़ता है। इसको लगाने के लिए इस तरह से यहाँ पर ये लग जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रीफाई अमेरिका की आपको ऐप खोलनी पड़ती है और उसमें एड्रेस आपका दिखा देता है कहाँ पर आप चार्ज करने आए हो। और वहाँ पर ये चार्जिंग नंबर शो करता है। जैसे हमारा जो चार्जिंग नंबर है चार्जिंग स्टेशन जो है वो चार्जर नंबर 7 है, तो यहाँ पर हम अभी 7 नंबर जो चार्जर है वो ऑन कर देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर भी ये दिखाना शुरू हो गया है कि चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी इस चार्जर में 118 किलोवाट तक जो है एनर्जी अभी आ रही है। आप देख सकते हैं जो करंट चार्ज की स्पीड है 119 हो गई अभी। ये वाइट वाला जो आपने अभी लगा रखा है चार्जर, आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी जो है ये अप टू 150 किलोवाट तक देता है। ये फास्ट चार्जिंग करता है एक तरह से देखा जाए तो। और इस तरफ है ब्लू वाला चार्जर, इसकी चार्जिंग स्पीड जो है वो अप टू 100 किलोवाट है। तो आप देख सकते हैं ये वाला स्लो चार्जर है। दोस्तों जैसे जैसे गाड़ी चार्ज होती है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये दिखाना शुरू कर देता है कि कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर हुई है। जैसे आप देख सकते हैं अभी 13 किलोवाट इन्होंने डिलीवर कर दिया, ऊपर दिखा रहा है, और 12 मिनट लगे हैं इसको चार्ज होने में अभी इतना। और अगर परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं 35% ये चार्ज हो गई है। और अभी यहाँ पर जहाँ 35% लिखा है यहाँ पर ये भी बताएगा कि 80% चार्ज होने के लिए इसको कितना टाइम अभी लगेगा। और यहाँ पर ये देखिए अभी बता रहा है कि 32 मिनट जो है इसको भी और लगेंगे 80% तक चार्ज होने के लिए। और यहाँ पर ये स्टॉप का बटन भी बनाया है, अगर आपको स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी स्क्रीन यहाँ पर ये रहती है। ये वाली मशीन दोस्तों आउट ऑफ ऑर्डर लग रही है मुझे, इस पर अनअवेलेबल लिखा है आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ तकनीकी ख़राबी है इसलिए यहाँ पर अनअवेलेबल लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस साइड पे भी यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो चार्ज हो रही हैं, और इस साइड पे भी गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं। टोटल यहाँ पर 10 चार्जर यहाँ पर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नो पार्किंग एक्सेप्ट वाइल चार्जिंग, तो आप ऐसा नहीं कि ऐसे पार्क करके यहाँ पर खड़े हो जाओ, अगर आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तभी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इस एरिया को JFK मतलब जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का, जो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ का, इसको सेलफोन लॉट बोलते हैं। और सेलफोन लॉट में यहाँ पर
कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जैसे कैब्स वगैरह होती हैं, ऊबर लिफ्ट वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जिनको वेट करनी होती है सवारियों की, आने वालियों की, तो वो यहाँ पर आके वेट करते हैं। यहाँ इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और जब भी किसी को ऊबर लिफ्ट वगैरह चाहिए तो वो लोग अपनी ऐप में से वहाँ से ऑर्डर करते हैं, और जिसके साथ भी ऊबर का सिस्टम उसको पेयर करता है तो वो उसको जाके वहाँ पर पिकअप कर लेते हैं। ये पीछे वाइट कलर की शेड जो आपको दिख रही है, इस पहली वाली बिल्डिंग में यहाँ पर मेडिटेशन एरिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सभी धर्मों के यहाँ पर चिन्ह भी बने हुए हैं, अगर किसी को अपना पाठ पूजा करनी है बैठ के वो भी कर सकता है, क्योंकि जब सेलफोन लॉट में आप आते हैं वेट करते हैं कस्टमर की, तो केवल काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास रहता है कि फ़्लाइट कब आएगी उसके हिसाब से, तो उतनी देर बंदा जो है वो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और इसके पीछे जो शेड बना है छोटा सा, जहाँ पे बंदा भी गया है, वो यहाँ पर रेस्ट रूम बना हुआ है, इसमें बाथरूम वगैरह अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं वहाँ पर। सेलफोन लॉट की ही अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, अनअटेंडेड व्हीकल्स विल बी टोड एट ओनर्स एक्सपेंस, तो यहाँ पर कोई गाड़ी आप खड़ी करके कहीं इस तरह से जा नहीं सकते, आपको गाड़ी में बैठे रहना पड़ता है। और ये इसलिए है क्योंकि लोग जो हैं वो इसको पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि इसका मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर आकर लोग जो हैं वो वेट करें, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और कस्टमर्स की वेट करें अपने, जो फ्लाई करके आ रहे हैं कहीं से एयरपोर्ट पर, और उनको ले कर जाएँ यहाँ पर, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये साइन लगा रखा है। दोस्तों, ये हमारे दोस्त की गाड़ी जिसमें हम लोग आए हैं, ये है हुंडई कंपनी की, और इसका मॉडल है INIQ5। और कोइंसिडेंटली हम लोग देख रहे थे अभी, हमने जहाँ पर ये चार्ज कर रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पर एक और गाड़ी चार्ज हो रही है इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे, और इसका जो मॉडल नंबर है वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, हुंडई INIQ5 ही है। कि पीछे आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी यहाँ पर टोयोटा की है, उसके बाद ये एक शेवी की है, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वोक्सवैगन की गाड़ी भी खड़ी है, वो लास्ट में सफ़ेद रंग वाली जो गाड़ी अभी अभी आई है जिसमें से कोई निकला है, वो निसान कंपनी की है, ये भी जापानीज कंपनी है निसान। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जितनी मेजर कार कंपनीज हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक कार जो हैं ये बनाना शुरू कर दिए हैं। गाड़ी के अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने परसेंट चार्ज हो गई है, इस तरह से यहाँ पर भी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, चार्जिंग टाइम देख सकते हैं आप, ये 29 मिनट्स दिखा रहा है। अभी इन्होंने जो गाड़ी ले रखी है मेरे फ्रेंड ने INQ वाली, उनका कोई प्रोग्राम है इनके साथ इलेक्ट्रीफाइंग अमेरिका के साथ कि 30 मिनट इनको फ्री चार्ज मिलता है, तो इसलिए 30 मिनट पे इन्होंने बंद कर दिया। अगर ये 30 मिनट पे बंद ना करते तो इनको यहाँ पर ये चार्ज कर सकते थे। चार्जर को उतार के हम लोग अभी वापस रख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग भी लगा होगा। गाड़ी चार्ज होते ही हम लोग फिर से न्यूयॉर्क सिटी घूमने चले गए, वहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया और अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाए, जिनको आप हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, और आपको दिखाएंगे अमेरिका की लाइफ का एक नया रंग। तब तक आप और वीडियोज़ देखते रहिए आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है हमारा अमेरिका।